है दोस्तों, वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। आज मैं आपको कुछ कमांड के बारे में बताऊंगा। जो दो कमांड है, मूव एज और ऑफसेट एज, ठीक है। तो सिंक्रोनस मॉडलिंग के वीडियो में मैंने आपको कुछ कमांड्स पहले बता चुका हूं। तो इस सिंक्रोनस मॉडलिंग में ही ये दो कमांड आती है। तो इन दो कमांड के बारे में मैं आपको आज फिर बताता हूं। अगर ये आपको कमांड नहीं मिलती है तो आप कमांड फाइंडर में जाके आप इसको सर्च कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले मैं एक ब्लॉक ले लेता हूँ जो कि 100x100 का ब्लॉक होगा। अब इस ब्लॉक का मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अब कुछ कमांड है सिंक्रोनस मॉडलिंग में जिससे आप कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकते हो जो कि आप सरफेसिंग से या फिर जो भी सरफेस की जो कमांड्स हैं सब उनसे ही आप उस चीज़ को बना सकते थे। लेकिन मूव एज और ऑफसेट एज, ये कुछ दो कमांड ऐसी हैं जिससे आप उस तरह के ऑब्जेक्ट को भी बना सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने एज सिलेक्ट कर लेता हूँ और स्पेसिफाई वेक्टर में मैं स्पेसिफाई वेक्टर करने के बाद इसको 10 डिस्टेंस तक मैं इसको ऑफसेट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इस एरो को खींच कर आप इसका एंगल चेंज कर सकते हो और इस ऑब्जेक्ट की आप बनावट को चेंज कर सकते हो। आप देख सकते हो कि किस तरह से मेरा जो ब्लॉक था उस ब्लॉक की मैं एक एज को पकड़कर उसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी दो एज जो उस एज को मैंने पकड़ के मैं उसका एंगल चेंज कर रहा हूँ, तो उससे जो एज जो कनेक्टेड है उसके दो फेस, तो उसके एंगल चेंज हो रहे हैं। अब यहाँ से एक्सटेंड और मॉर्फ करके दो ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट को आप और बना सकते हो और कुछ कर्व शेप भी आप इसके अंदर लेके आ सकते हो, ठीक है। मैं फिर से मूव एच सिलेक्ट कमांड कर लेता हूँ, यहाँ से वेक्टर को सिलेक्ट करता हूँ, इसका वेक्टर, और डिस्टेंस कुछ मैंने इसको दे दिया है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए आप इसको बना सकते हो। यहाँ पर जो एंड फेस बिहेवियर है उसमें मॉर्फ मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके एंगल को भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को या तो आप सरफेसिंग से बना पाओगे या तो आप इन सिंक्रोनस मॉडलिंग की दो कमांड से बना सकते हो। अब यहां पर मैं एक लाइन को ड्रॉ करता हूं, ठीक है। यहाँ से मूव एज कमांड को मैं सिलेक्ट करता हूँ फिर से और एंगल पॉइंट टू पॉइंट, तो मुझे इस पॉइंट को इस पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है। तो इस तरह से आप स्केच करके किसी भी लाइन को ड्रॉ करके आप उस ऑब्जेक्ट को इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो, साथ में उसकी जो ऊपर की सरफेस जो कि कर्व में है वो भी उसी तरह से उसके साथ ही पॉइंट टू पॉइंट ऑफसेट हो जाएगी, ठीक है। यहां पर मॉर्फ और एक्सटेंड का यही मतलब है कि अगर आप एक्सटेंड सिलेक्ट करते हो तो जो एज से मिलके वो चलती है तो उसके साथ वो बनी रहती है, लेकिन अगर आप मॉर्फ सेलेक्ट करते हो तो वो उसके साथ बन के नहीं रहती, वो थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। मतलब देखा जाए तो आप उसमें बोल सकते हो कि आप उसमें कुछ एक्यूरेसी नहीं रहती, ठीक है। तो मॉर्फ और एक्सटेंड का सिलेक्ट करके उसको आप कंट्रोल कर सकते हो।
तो इस स्केच को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है? अभी मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को आप इन दो कमांड का इस्तेमाल करके भी बना सकते हो। अब मैं ऑफसेट एज को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है? ऑफसेट एज में भी मैंने एक एज को सिलेक्ट कर लिया है, तो इस तरह से आप उस एज को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप उसको खींच सकते हो। अभी मैंने अलोंग फेस को इस्तेमाल करा है। अब जब आपने एक्सटेंड करा तो एक्सटेंड करने के बाद वो उसी लाइन पर आके मिल जाएगा जिस लाइन से वो चला था, ठीक है? तो ये एक्सटेंड और मॉर्फ का वो है, और मॉर्फ जब आपने किया तो वो उस तरह से उसी डायरेक्शन में चलेगा जिस डायरेक्शन में वो अलोंग फेस है, ठीक है? यहाँ पर अलोंग फेस को आप सिलेक्ट करके इसकी डायरेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? फिर से मैं ऑफसेट एज को सिलेक्ट करता हूँ और इस एज को पकड़ता हूँ। तो मैंने दो एज अब एक साथ पकड़ी है, तो दोनों एज को भी आप एक साथ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? फिर मैं एक्सटेंड और मॉर्फ का इस्तेमाल करके मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आप इसको जिसकी ज्योमेट्री को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को आप या तो सरफेसिंग से बना सकते हो, 3D कर्व से बना सकते हो, लेकिन अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ती है, अगर आपको पता है कि ये एंगल पे अगर आप इसको टिल्ट करोगे और इस एज को अगर आप इस तरह से सिलेक्ट करोगे तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। तो ये था दोस्तों वीडियो मूव फेस और मूव एज और ऑफसेट एज के बारे में, ठीक है? तो इस कमांड का इस्तेमाल करके और सिंक्रोनस मॉडलिंग का आप इस्तेमाल करके किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से आप बना सकते हो जो कि सरफेसिंग में या फिर किसी चीज़ में पॉसिबल होता है, ठीक है? तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।